अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दी स्मार्ट स्कूल जमात सोम इस्लामियात वीडियो सबक नंबर 1 बाब डोम ईमानियात व इबादात। हमारे आज के सबक का उन्वान है तौहीद। सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 दौरानिया 35 मिनट वसाइलो ज़राए मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम। हमारे आज के सबक के मकासद हैं। सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की दोहराई कर लेंगे, तौहीद के माने बयान कर लेंगे, सूरतुल इखलास का तर्जमा ज़हन-नशीन कर लेंगे। सबक का आगाज करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। क्या आप बता सकते हैं कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए आज हम सबसे पहले इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। आज हम जिस इस्लाम के बुनियादी रुकन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है तौहीद। इस्लाम का पहला रुकन तौहीद है। तौहीद अरबी जबान का लफ्ज है। तौहीद के माने एक मानना के हैं, यानी तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को दिल और जबान से एक मानना है। तौहीद पर अकीदा रखना ही हमारे ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में अकीदा तौहीद पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान मजीद में भी बार बार इसका जिक्र किया गया है। सूरत बकरा की आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारा माबूद यकता माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सूरतुल इखलास कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें अकीदा तौहीद की वजाहत की गई है। तर्जुमा: कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और कोई इसका हमसर नहीं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की ज़ात की तरह अल्लाह की सिफात में भी इसका कोई शरीक नहीं। वही सबका खालिक, मालिक और राज़िक है। ज़िंदगी और मौत इसके कब्ज़े में है। कोई भी चीज़ इससे पोशीदा नहीं। वो हर चीज़ को जानने वाला है। वो दुनिया की हर चीज़ पर कादिर है और वो जो चाहता है वही करता है। आइए अब मैं आपको एक किसान भाई की वीडियो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीते के कदमों के निशान। किसी जगह पर एक किसान रहा करता था जो हमेशा अपनी नमाज़ें वक्त पर अदा करता था। एक दिन उसने गरीब लड़के को सड़क के उस पार देखा। उसने लड़के से खाने और आराम करने के बारे में पूछा और उसे अपने साथ घर ले गया ताकि उसकी मदद कर सके। अगली सुबह जब किसान नमाज पढ़ने के लिए जागा तो उसने अपने मेहमान को भी जगाया जिसने उसे कहा था कि वो नमाज नहीं पढ़ना चाहता। लड़के ने कहा कि उसने खुदा को नहीं देखा तो वो किसी अंधे के खुदा की इबादत कैसे करे। किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन किसान लड़के के साथ खेतों में चल रहा था, अचानक इसने कदमों के निशान देखे। लड़के ने किसान से कहा कि ये चीते के कदमों के निशान हैं। किसान ने हैरानगी से कहा कि क्या वाकई तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता।
क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई चीता नजर ही नहीं आ रहा। लड़का हंसा और कहा, तुम पागल और जिद्दी हो, क्या ये कदमों के निशान इस बात के लिए काफी नहीं कि कुछ ही देर पहले यहाँ चीता मौजूद था और यहाँ से गुजरा है जिसके ये कदमों के निशान हैं। किसान ने जवाब दिया, प्यारे भाई, जब तुमने कदमों के निशान देखे तो तुमने कहा कि यहाँ से चीता गुजरा होगा, तो क्या चांद, सूरज, फूल और दरख्त जैसी निशानियाँ काफी नहीं है इस चीज पर यकीन करने के लिए कि कोई है जिसने इन तमाम चीजों को खल्क किया है। लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ किसान भाई, तुम ठीक कहते हो, हम अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता, लेकिन हमारे इर्द गिर्द मौजूद उसकी बनाई हुई हर शय को देखकर समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला की हर मखलूक अल्लाह की निशानी है। प्यारे बच्चों, यकीनन आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, इंसान अपनी खुली आंखों से देखता है कि ये रंगारंग कायनात, ये सूरज, चांद, ये दरख्त और समंदर, लाखों जानदार और बेजान मखलूक, इसके अलावा इंसानी ख्यालात की बुलंद परवाजियाँ, इसके बाद फिर इंसान की आजिज़ी और मजबूरी एक खालिक कायनात का पता देती हैं। तौहीद का अकीदा रखने वाला कभी तंग नज़र नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे रब को मानने वाला है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, मशरिक व मगरिब का मालिक है और तमाम जहां का पालने वाला है। इस ईमान के बाद कायनात की कोई चीज़ इसे गैर नज़र नहीं आती और अपनी तरह एक ही मालिक की मिल्कियत नज़र आती है। अकीदा तौहीद पर यकीन लाने वाला ये बात अच्छी तरह समझ लेता है कि पाकीज़गी नफ्स और नेक आमाली के अलावा इसकी निजात और बेहतरी का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, चूँकि वो एक ऐसे अल्लाह पर यकीन रखता है जो बेनियाज है। प्यारे बच्चों, तौहीद पर अकीदा रखने वाला किसी हाल में मायूस और दिल बर्दाश्ता नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इसका माबूद ज़मीन व आसमान के तमाम खजानों का मालिक व मुख्तार है, जिसका फजल व करम बेहद और बेहिसाब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को वाहिद अपना खालिक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें, उसी से मदद मांगें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं। यकीनन आपने बहुत अच्छे से अकीदा तौहीद के बारे में मालूमात हासिल कर ली होगी। अब वक्त आता है आपको सरगर्मी करवाने का। आज के सबक की सरगर्मी नंबर एक, मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम के सफ़ा नंबर 16 पर दिए गए सूरतुल इखलास का तर्जमा ज़हन-नशीन करें। इसके लिए आपको 10 मिनट का दौरानिया दिया जाता है। हमारे आज के सबक की सरगर्मी नंबर दो है, मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम के सफ़ा नंबर 16 की पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद सफ़ा नंबर 19 पर दिए गए सवाल नंबर 1 और 2 के जवाबात इस्लामियात की कॉपी पर तहरीर करें। इसके लिए आपको 15 मिनट का दौरानिया दिया जाता है। इख्तितामिया, आज के सबक में हमने सीखा अकीदा तौहीद के क्या माने हैं, कुरान मजीद की रोशनी में अकीदा तौहीद की क्या अहमियत है, सूरतुल इखलास में दी गई अकीदा तौहीद की वजाहत। घर का काम, मेरी आसान इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 16 की पढ़ाई करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।